Finally, the wait is over. Competition community is all set to fulfill the dreams of thousands of English medium students of the state as we are up with a well-designed English medium course for the CGPAC province exam. In this course I have dealt with two subjects, quality and history, in a manner which would help in exam-oriented understanding of the subject without compromising the language of your choice. So go for it because it would definitely suffice without compromise. हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू द कंपटीशन कमेटी माई सेल्फ हेमंत प्रधान टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अ डिफेंस टेक्नोलॉजी इन इंडिया दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू सो लेट वी स्टार्ट फ्रॉम बेसिक्स और आपको एक अप्रोच uh, भी हमेशा याद रखनी है कि कोई भी टेक्नोलॉजी आप स्टडी करें उससे रिलेटेड जो अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है या इंस्टीट्यूट है वो उसका एक इनिशियल पॉइंट हो सकता है ऐसा आप मान के चलें बिकॉज जब हम बात करते ही किसी भी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट को तो वो ऑर्गेनाइजेशन से ही वो क्या है स्टार्ट होती है एक्चुअली जैसे कि हमने स्पेस टेक्नोलॉजी देखा था तो स्पेस टेक्नोलॉजी में इसरो की बात किया था जिसमें कि हमने इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च इनकोस्पार नाइनटीन में वो कमेटी बनी थी और उसके बाद जब इसरो का फाउंडेशन हो गया 1969 में फिर हम देखते हैं कि एक्चुअल में उसका डेवलपमेंट का पार्ट बहुत फास्ट तरीके से बढ़ा था यहां पे हम आज का टॉपिक जो डिस्कस करेंगे दैट इज अबाउट डिफेंस डिफेंस टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी और से रिलेटेड जो अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है दैट वी कॉल्ड अ डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इज इट क्लियर नाउ अब हम बात करते हैं ये डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ इसके कुछ बेसिक पॉइंट्स 1958 में इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ था सबसे फर्स्ट पॉइंट आप नोट करें द सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इसका हेडक्वार्टर कहाँ है इसका हेडक्वार्टर है न्यू डेली में याद रखिएगा डी भवन आप जानते होंगे द थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट ए डीआरडीओ डी का चेयरमैन कौन है अभी जी सतीश रेड्डी जी सतीश रेड्डी वो अभी प्रेजेंट में डीआरडीओ के चेयरमैन हैं नाउ द फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये करती क्या है डी जितने भी डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं सभी को ये मैन्युफैक्चर करती है हाँ उसको असिस्ट करने वाले भी दूसरे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं अब बात करते हैं कि ये क्या बनाती है ये मिसाइल्स बनाती हैं डिफरेंट डिफरेंट के इक्विपमेंट्स बनाती हैं ऐसे राडार्स भी बनाती है ठीक है और दूसरे ऐसे वेपन्स भी बनाती हैं एक्सप्लोसिव का कहाँ पे यूज करना है कौन सा जो हाई टेक्नोलॉजी के जो इंजन्स हैं जैसे कि रैम जेट स्क्रैम जेट क्रायोजेनिक इंजेंस वगैरह बनाती है ऐसे बहुत सारे इसके टास्क हैं ठीक है तो अब आपको ये चार पॉइंट्स में मेरे ख्याल से कुछ बेसिक आइडिया हुआ होगा नाउ हम इसका एक सिस्टमेटिक स्टडी करते हैं अबाउट अ डिफेंस टेक्नोलॉजी डीआरडीओ हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है और इससे रिलेटेड बहुत सारे नए नए लॉन्चेस होते रहते हैं ये याद रखिएगा तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मिसाइल से द क्लासिफिकेशन ऑफ मिसाइल्स और यहां से हंड्रेड परसेंट क्वेश्चन एक्सपेक्टेड रहते हैं और लास्ट ईयर भी यहां से क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो ये एक इंपॉर्टेंट जोन है यहां पे थोड़ा आप कंसेप्ट अप्लाई करें बहुत सारे फैक्ट भी आएगा डेटा भी आएगा बट आपको वहां केयरफुली नोट करते चलना है किसी चीज में अगर ज्यादा प्रॉब्लम होगी तो डेफिनेटली ज्यादा डेटा ओरिएंटेड होगा तो मैं डेफिनेटली इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड करूंगा सो लेट वी स्टार्ट टूडे आ जर्नी फर्स्ट देखते हैं द क्लासिफिकेशन ऑफ मिसाइल्स क्लासिफिकेशन ऑफ मिसाइल में सबसे पहले यहां पे देखिए ऑप्शन है आपका की टाइप्स टाइप्स के बेस पे इसका क्लासिफिकेशन दिया हुआ है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स एंड बैलिस्टिक मिसाइल है तो क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल में भी डिफरेंस भी हम समझेंगे लेकिन इसका बेसिक कंसेप्ट समझिए क्रूज मिसाइल क्या होता है एक पॉइंट से आपने लॉन्च किया और लॉन्च किया और वो जनरली जहाँ पे भी वो गिरेगी लाइक like, मान लो ये ये इसका इनिशियल पॉइंट था और इसका ये इम्पैक्ट पॉइंट था यानी कि ये वो जो उसका टारगेट पॉइंट था तो यहाँ पे आप लॉन्च करते हैं ये इसका पाथवे हो सकता है हो सकता है डायरेक्ट ऐसा भी हो ठीक है ये टारगेट है तो ऐसा भी हो सकता है ठीक है ऐसा एक क्रूज मिसाइल का पाथवे हो सकता है बट जब हम बात करते हैं बैलिस्टिक की तो हमेशा ये क्या है एक पैराबोला पाथवे होता है जैसे ये इसका क्या है इनिशियल पॉइंट है और ये टारगेट पॉइंट है तो यहाँ पे ये हमेशा एक पैराबोलिक पाथवे को फॉलो करेगा और जैसे कि ये देख रहे हैं ये इसका क्या है टॉप पॉइंट है इसे हम क्या कहते हैं एपोजी कहते हैं एपोजी कहते हैं इसका टॉप पॉइंट है और यहाँ पे ये जो ब्रांच देख रहे हैं ये इसका एसेंडिंग ब्रांच है ये टॉप पॉइंट के बाद इसका जो है डिसेंडिंग ब्रांच है और ये पॉइंट है पॉइंट ऑफ इंपैक्ट है या जो ये टारगेट पॉइंट है तो यहाँ पे दोनों में डिफरेंस समझिए क्रूज मिसाइल का पाथ में कुछ भी ऐसा भी हो सकता है डायरेक्ट वो अटैक करे ऐसा ऊपर करे और फिर वो एटमोसफियर के एटमोसफियर को कभी क्रॉस नहीं करता क्यों कौन क्रॉस नहीं करता क्रूज मिसाइल तो क्रूज मिसाइल कभी एटमोसफियर को क्रॉस नहीं करता और जो बैलिस्टिक मिसाइल होता है हमेशा वो क्या है आपका इस एटमोसफियर को क्रॉस करेगा क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस वाले ये सभी होते हैं अब दोनों में कंपेयर भी हम करने वाले हैं लेकिन यहां पे एक कंसेप्ट समझिए कि जब हम क्रूज मिसाइल को लॉन्च करते हैं तो एक बार लॉन्च करने के बाद हम उसके मान लो टारगेट जो है वो चेंज हो गया वो टारगेट चेंज हो गया तो हम क्रूज मिसाइल के लॉन्च करने के बाद भी उसके हम पाथवे को चेंज कर सकते हैं लाइक यहां पे टारगेट था यहां से आपने लॉन्च किया अभी टारगेट इधर हो गया तो आप भी इस टारगेट को ऐसा उसकी उसका जो पाथवे है या डायरेक्शन है आप चेंज कर सकते हैं तो ये क्रूज मिसाइल में पॉसिबल होता है तो ये बात याद रखिएगा ठीक है एक आफ्टर लॉन्चिंग हम इसे इसका पाथवे बदल सकते हैं डायरेक्शन बदल सकते हैं क्योंकि टारगेट चेंज हो जाता है तो अकॉर्डिंगली हम वहां पे ये करते हैं तो फा जो फायर एंड फर्गेट वाला जो होता है या लॉन्च एंड फर्गेट वाला जो होता है है ना दागो और भूल जाओ ये एक्चुअल में इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसमें क्रूज मिसाइल में तो यहां पे ये क्रूज मिसाइल समझिए आप और एपोजी और पैरोजी वाला जब बात यहां पे समझ रहे हैं कि किसमें बैलिस्टिक मिसाइल में जिसमें एक बैलिस्टिक या एक पैराबोलिक पाथवे होता है जिसमें हम लॉन्च तो कर देते हैं लॉन्च करने के बाद असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ता है और एक जो है इसका पिक पॉइंट होता है इसे हम एपोजी कहते हैं और एपोजी के बाद टारगेट को यहां हिट करना है हो सकता है पहला पॉइंट ये हो दूसरा पॉइंट ये हो तीसरा पॉइंट ये हो तो यहां पे तीन ऑब्जेक्टिव है हमारो तो यहाँ पे तीनों को ये लॉन्च कर सकते हैं या तीनों को हिट कर सकते हैं अब यहाँ पे होता क्या है इंपॉर्टेंट कि एपोजी क्रॉस करने के बाद इसका डायरेक्शन किस पर डिपेंड करता है ग्रेविटेशन पे डिपेंड करता है यानी कि यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स का भी हम यूज करते हैं किसमें बैलिस्टिक मिसाइल्स में तो बैलिस्टिक मिसाइल्स में क्या है आप यहां पे उसके ग्रेविटेशनल फोर्स का या ग्रेविटी को हम यूज करते हुए फाइनली वो ऑब्जेक्ट को हम हिट करते हैं और यहां पे हिट करेंगे तो क्या है Obviously उसकी हैड क्या होता है कि जब भी कोई मिसाइल होता है मिसाइल में ये देखते हैं ये वॉर हेड है ठीक है ये वॉर हेड है. है और डायरेक्ट ये ही क्या है ये ऑब्जेक्ट को हिट करता है तो अब बात को समझिए कि ये जो हिट कर रहा है तो यहां पे एक्सप्लोसिव इसमें होगा तभी ये पॉसिबल है कि वो ऑब्जेक्ट को ज्यादा से ज्यादा वो डिस्ट्रॉय करें ज्यादा लीथल तरीके से वो। तो ये एक्सप्लोसिव भी बहुत टाइप के हो सकते हैं ठीक है तो यहां पे ये न्यूक्लियर वॉरहेड वाला हो सकता है ये एक कन्वेंशनल वॉरहेड वाला हो सकता है स्ट्रेटेजिक वॉरहेड हो सकता है क्लियर हुआ तो यहां पे दो पॉइंट आप समझ रहे हैं आप बैलिस्टिक और क्रूज में एक बेसिक अंतर आप समझ गए हैं तो हम बात करते हैं अबाउट क्रूज मिसाइल ठीक है तो सबसे पहले यहां पे एक और पॉइंट समझिए जैसे यहाँ टाइप्स के बेस पे क्रूज मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल है सिमिलरली लॉन्च मोड के बेस पे सरफेस टू तो सरफेस मिसाइल है सरफेस टू तो एयर मिसाइल है या फिर सरफेस टू तो सी मिसाइल है एन एर एर है ना एयर टू एयर मिसाइल है एयर टू सरफेस मिसाइल है सी टू सी मिसाइल है या सी टू सरफेस मिसाइल है या एंटी टैंक मिसाइल है ऐसे इसके डिफरेंट कैटेगराइजेशन है या क्लासिफिकेशन है तो यहाँ पे याद रखिएगा कि ये जो मिसाइल्स हैं तो मिसाइल्स हमेशा से एग्जामिनेशन पॉइंट है इंपॉर्टेंट होता है एंड डोंट बी कंफ्यूज यहां पे बहुत सारे ऐसे मिसाइल्स आएगा तो मैं आपको एक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से इसे बताने वाला हूं तो so, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कुछ और पॉइंट को कि जैसे कि हम रेंज देख रहे हैं यहाँ पे तो शॉर्ट रेंज जो मिसाइल्स होती है मीडियम रेंज मिसाइल्स होती है इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल होती है और इंटर मिसाइल्स होती है तो यहां पे देखिए सबसे पहले देखते हैं कि शॉर्ट रेंज मिसाइल से देख रहे हैं तो शॉर्ट रेंज मिसाइल जो है क्या होती है थाउजेंड किलोमीटर वाले जो मिसाइल्स होते हैं उसे हम शॉर्ट रेंज मिसाइल्स कहते हैं मीडियम रेंज वाले को क्या कहता है, है कि एक हजार से एक हजार से तीन हजार यानी कि वन थाउजेंड से थ्री थाउजेंड किलोमीटर के रेंज वाले को हम मीडियम रेंज मिसाइल्स कहते हैं इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल जो होता है ये जनरली यहां पे बैलिस्टिक वर्ड आ गया है मतलब वो पैराबोला पाथवे को फॉलो करेगा और लॉन्ग डिस्टेंस कवर करेगा जैसे आपको पता होगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट को मैक्सिमम दूरी यदि आपको फेंकना है तो 45 डिग्री पर हम जिसे हम प्रोजेक्टाइल एंगल कहते हैं ठीक है उस पर हम यहां पे उसको थ्रो करते हैं तो यहां पे जो है इंटरमीडिएट रेंज वाली बात जब आती है तो थ्री थाउजेंड टू फाइव किलोमीटर्स जो है ये इस हाइट इस जो डिस्टेंस वाले मिसाइल्स को हम इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स कहते हैं फिर इंटरकटीटल जो मिसाइल्स होता है ये फाइव फाइव डबल जीरो ऐसे एब वाले को हम इंटर कंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कहते हैं नाउ यहां पे एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझिए कि जो क्रूज मिसाइल होता है और जो बैलिस्टिक मिसाइल होता है तो यहाँ पे जैसे अर्थ से आप देखते हैं इंडिया से जो दूसरे ऐसे कंट्रीज़ का डिस्टेंस है से मान लो हमारा जो नियर बाई जो हमारा जो एनेमी है कह सकते हैं जैसे चाइना या पाकिस्तान तो यहाँ पे आप क्रूज मिसाइल को बहुत सक्सेसफुली यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं लेकिन सोचिए ईस्ट का कोई कंट्री हमारे ऊपर कुछ ऐसा लाइक अटैक करना चाहे तो मिडिल ईस्ट जो है इंडिया से उसका डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है तो उस केस में हम बैलिस्टिक मिसाइल यूज़ करते हैं ठीक है और बैलिस्टिक मिसाइल में भी हम देखते हैं कि जो ऐसे मिसाइल्स जो न्यूक्लियर वॉरहेड वाले हो सकते हैं यहाँ पे वो बहुत लिथल हो सकते हैं आपको याद होगा कि इंडिया और चाइना के बीच में जब भी ऐसा बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज ड्रामा होता है या फिर कह सकते हैं जब भी उनके बीच में ऐसी परिस्थिति ऐसी कंडीशन आ जाती है कि आपस में कभी भी वो अटैक कर सकते हैं एक दूसरे पर जैसे भी रिसेंट में हुआ था लद्दाख एरिया में गलवान वैली में तो हम क्या देखते हैं वो तो बिना वेपन के लड़े लेकिन एक बार जब वेपन यूज़ कर लेंगे तब ये मान के चलिए बहुत हाई लेवल पे डिस्ट्रक्शन होगा तो यहाँ पे हम क्या करते हैं हम ब्रह्मोस या रफाल इस टाइप से ऐसे हम आ, मिसाइल्स को यहाँ पे या एयरक्राफ्ट को को वहां पे लॉन्च करते हैं या फिर कह सकते हैं डेमोस्ट्रेशन के तौर पे रख देते हैं कि अगर हम हमारे ऊपर अटैक करें तो हम सीधा इसका जवाब इससे देंगे ठीक है काइंड kind ऑफ of. तो यहां पे याद रखिएगा जब बैलिस्टिक होगा तो बैलिस्टिक मतलब लॉन्ग डिस्टेंस होगा और पैराबोलिक पाथवे का वो यूज होगा ठीक है ये समझ रहे हैं अब यहाँ पे देखिए कि जो मिसाइल्स है तो यहां मिसाइल्स में यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिए कि जो क्रूज मिसाइल होता है क्रूज मिसाइल को भी हम क्या है उसकी स्पीड के बेस पे हम क्या करते हैं सबसोनिक सब सोनिक सुपरसोनिक सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक में हम इसे कैटेगराइज करते हैं तो यहाँ पे ये तीनों को समझिए यहां पे ये तीनों को समझिए सबसोनिक मतलब यह हम देखते ही कि स्पीड ऑफ साउंड क्या होता है उससे हम इसे कंपेयर करते हैं तो ये यहाँ पे सब सोनिक मिसाइल जब भी आएगा इसकी इसकी जो स्पीड होगी वन मैक्स से कम होगी जीरो पॉइंट एट जीरो पॉइंट नाइन जीरो पॉइंट सेवन कुछ भी हो सकती है वन मैक से कम होगी बिलो वन मैक देन उस केस में हम इसे क्या है हम सब सोनिक मिसाइल कहेंगे किसकी कैटेगरी बता रहा हूं मैं क्रूज मिसाइल क्रूज मिसाइल को हम कैटेगराइज करते हैं यहाँ पे तो यहाँ पे क्या होता है पहला सब सोनिक मिसाइल दूसरा सुपरसोनिक सुपर सोनिक की में जो है टू टू, टू थ्री मैक यदि इसकी स्पीड हो तो उस केस में हम क्या देखते हैं ये इसे सुपर सोनिक मिसाइल कहते हैं एंड कम टू दर्ड पार्ट हाइपर सोनिक हाइपर सोनिक जो मिसाइल होता है ये इसकी स्पीड जो है फाइव मैक या इससे अबब हो फाइव मैग या इससे उस केस में ये क्या है हम देखते हैं हाइपरसोनिक मिसाइल्स कहते हैं ठीक है तो ये क्रूज मिसाइल का कैटेगरी है याद रखिएगा अब यहां पे मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूं कि ब्रह्मोस जो इंडिया का मोस्ट पावरफुल मिसाइल है वो क्या है वो क्या है क्या वो क्रूज मिसाइल है या वो बैलिस्टिक मिसाइल है लॉजिक लगाइए ब्रह्मोस मिसाइल इंडिया का जो बहुत पावरफुल मिसाइल है जो इंडिया रशिया के बहुत दोनों के कोलाबरेशन से ये बना है जिसमें कि हम इंडिया के ब्रह्मपुत्र रिवर और रशिया का जो मस्कवा रिवर है दोनों के कॉम्बिनेशन से ब्रह्मोस वर्ड वहां पे क्रिएट हुआ है और ये ब्रह्मोस मिसाइल एक्चुअली दिस इज द टाइप ऑफ अ क्रूज मिसाइल नॉट ए बैलिस्टिक याद रखिएगा दूसरा ब्रह्मोस का जो इनिशियल वर्जन था फिर ब्रह्मोस टू फिर ब्रह्मोस थ्री। ब्रह्मोस टू जो हमारे पास डेवलप्ड है ब्रह्मोस टू मिसाइल एक्चुअली द एग्जाम्पल ऑफ अ हाइपरसोनिक और सुपरसोनिक क्या होगा इट इज द एग्जाम्पल ऑफ अ सुपरसोनिक मिसाइल जब हम बात करेंगे ब्रह्मोस थ्री की तब बात होगी हाइपरसोनिक मिसाइल्स की तो ब्रह्मोस टू इज द एग्जाम्पल ऑफ अ सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस थ्री जब होगा वो होगा हाइपरसोनिक मिसाइल ठीक है तो यहां पे ये याद रखिएगा ये कैटेगरी है किसकी आपकी द तो क्रूज मिसाइल्स की अब यहां पे देखिए एक और इंपॉर्टेंट यहां पे कैटेगरी देख रहे हैं आप तो यहां पे देखिए ऑन द बेसिस ऑफ अ प्रोपल्सन के बेस पे हम मिसाइल्स को किस प्रकार कैटेगराइज करते हैं तो यहाँ पे देखिए सॉलिड प्रोपल्सन है मतलब सॉलिड वाले फ्यूल्स यूज होंगे तो सॉलिड जो फ्यूल होगा वो क्या होता है जैसे एल्यूमिनियम पाउडर एल्यूमिनियम पाउडर वो सॉलिड कंटेंट के तौर पे फ्यूल में यूज होता है जब लिक्विड प्रोपल्सन की बात आती है तो लिक्विड में आप देखते हैं हाइड्रोकार्बन को हम यूज करते हैं किसमें आपके प्रोपल्सन में या फ्यूल के तौर पर सिमिलरली आप देखते हैं कि हाइब्रिड प्रोपल्सन इसमें क्या है डबल स्टेज वाला होता है एक से एक जो होता है सॉलिड होगा दूसरा है लिक्विड होगा दोनों का कॉम्बिनेशन से होता है रैम जेट रैम जेट जो होता है जिसमें कि टर्बाइंस वगैरह नहीं लगता है ना और वो सुपर सोनिक स्पीड होनी चाहिए उसकी सिमिलरली क्या है देखते हैं कि तो स्क्रैम जेट स्क्रैम जेट में जो फ्यूल यूज़ होता है वो हाइड्रोजन यूज़ होता है और यहाँ पे भी क्या है वो सुपरसोनिक स्पीड होनी चाहिए और क्रायोजेनिक ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी क्या होता है यहाँ पे समझिए क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी में क्या है दो फ्यूल यूज होता है एक होता है हाइड्रोजन और दूसरा होता है ऑक्सीजन हाइड्रोजन ये क्या होता है फ्यूल के टाइप से यूज होता है और ये माइनस टू फिफ्टी थ्री डिग्री सेल्सियस पे इसे हम क्या कंप्रेस करते हैं तो वो लिक्विफाइड हो जाता है ऑक्सीजन ये इट वर्क्स लाइक माइनस वन एटी थ्री डिग्री सेल्सियस पे ये क्या है लिक्विफाई करते हैं यानी कि इतना कंप्रेस करते हैं तो ऑटोमेटिकली लिक्विफाई हो जाता है तो ये दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है आपका क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी बनता है क्रायो दैट मींस क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी मींस में क्रायो वर्ड होता है ये होता है बहुत लो टेम्परेचर के लिए हम क्रायो वर्ड यूज करते हैं एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर दैट मीन्स अ क्रायो वर्ड और क्रायोजेनिक वर्ड जब बात आती है तो क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी में आप देखते हैं कि हाइड्रोजन फ्यूल के तौर पे यूज़ होता है ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजर के तौर पे यूज़ होता है और दोनों के कॉम्बिनेशन से इतना हाई थ्रस्ट जनरेट होता है यू कांट इमेजिन की इतनी हाई एनर्जी यहाँ से प्रोड्यूस होती है सो so यहाँ पे ये क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी की भी अपनी स्टोरी है वो स्टोरी ये है कि क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी हमने रशिया से हमको लेना था हमने एग्रीमेंट भी कर लिया लेकिन जब टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करने वाली बात आई तो यूएसए ने बीच में रुकावट पैदा की और हमको रशिया से जो क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी इंपोर्ट जो हम कर रहे थे वो नहीं मिल पाई फिर डॉक्टर कलाम साहब की लीडरशिप में सबसे पहले क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी बेस्ड ऐसा हमने इक्विपमेंट ख़रीदा और रशिया से वो ख़रीदे और हमने पूरी टेक्नोलॉजी को स्टडी किया रशिया ने हेल्प भी किया हमको बट अन अनऑफिशियली वो हेल्प किया और हमने वो वो जो टेक्नोलॉजी बेस्ड जो इक्विपमेंट था जो भी हमारे पास जो बड़ा वेपन था उसको हमने स्टडी किया और उसी के बेस पे हम देखते हैं 2014 में ऑल दो टू के बाद ये हमने डेवलप कर लिया था लेकिन 2014 में एक्चुअली हम ऐसा इक्विपमेंट बना लिए ठीक है तो वो टेक्नोलॉजी जो है वो 2010 के आसपास हमने अचीव किया बट वो उसके बेस जो पहला इक्विपमेंट वो मिसाइल में भी यूज होता है वो सैटेलाइट में भी यूज होता है तो उसे 2014 में हम ले आए अब जो है हम ऐसा ये डॉक्टर कलाम साहब का ही एक्चुअल में आइडिया था कि कोई टेक्नोलॉजी कहीं से नहीं मिल रही है तो उससे रिलेटेड आप क्या करो ऐसा इक्विपमेंट ले लो और फिर से स्टडी करो देन आफ्टर हम वो अचीव कर लेंगे और हुआ भी वैसे ही तो ये इसकी स्टोरी है याद रखना यूएसए ने मना किया था बट उसके बाद जो है हम खुद ही डेवलप कर लिए क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें कि हम लिक्विड सॉलिड जैसे किसी भी फ्यूल पर बेस्ड ना हो के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं और क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी से बहुत हाई लेवल पे एक्सट्रीमली हाई लेवल पर हम ये आ, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और यही वो रीज़न था जिसके कारण हम सैटेलाइट वाले चैप्टर में हम पढ़े थे कि जी एस एल थ्री जैसे हाई लेवल के और बहुत हैवी सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए हम ऐसी कैपेबल टेक्नोलॉजी डेवलप कर पाए तो इंडिया का जो सबसे हेवीस्ट सैटेलाइट है जी सेट इलेवन है ना कई टन्स हैं थाउजेंड टन से भी ज़्यादा है तो वो जो है बिकॉज ऑफ दिस क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी के कारण पॉसिबल हो पाया और जी एस एल वी मार्क थ्री इसलिए इतनी इसकी एक्यूरेसी है कि वो उसके पास एनर्जी कोई कमी है नहीं और बहुत हैवी सेटेलाइट को भी लॉन्च कर सकता है हाई ऑर्बिट में भी वो लॉन्च कर सकता है और सिमिलरली जब मिसाइल वाली बात आती है तो जब हम लॉन्ग डिस्टेंस वाली बात करते हैं और इंटर कॉन्टीनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की बात करते हैं या फिर क्रूज मिसाइल की लॉन्च करने के लिए बहुत एनर्जी रिक्वायर्ड है तो यहाँ पे ये क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी बहुत हेल्प करती है याद रखना ठीक है तो ये बात आप समझ गए होंगे सिमिलरली वॉरहेड के बेस पे भी आपकी मिसाइल की कैटेगरी है कन्वेंशनल वॉर जो जिसमें कि एक नॉर्मल जो एक्सप्लोसिव है वो यूज़ किए जाते हैं स्ट्रैटेजिक वॉरड में हम देखते हैं कि वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हम वहाँ भेज रहे हैं ऐसे एक्सप्लोसिव भेज रहे हैं या फिर वो न्यूक्लियर वाले पार्ट हो सकते हैं तो ये आपकी स्ट्रैटेजिक बेस पे होती है कन्वेंशनल वॉर से अलग है ये याद रखना ठीक है सिमिलरली और भी कुछ क्लासिफिकेशन है गाइडेंस बेस के वायर गाइडेंस वाले कमांड गाइडेंस वाले टेरेन कंपैरिजन गाइडेंस वाले ठीक है वायर वाले में जो सिमिलर लाइक वायर उसमें होता है ठीक है एक नॉर्मल कम्युनिकेशन होता है और जैसे कि आप देखते हैं कमांड देते हैं गाइडेंस देते हैं तो डिफरेंट टाइप की इक्विपमेंट यूज होते हैं और सिमिलरली अगर हम बात करते हैं आज की दुनिया एक्चुअल में जो लॉन्च एंड फॉरगेट वाला जो मेथड होता है वो क्या होता है वो बेस्ड होता है जीपीएस के बेस पे ठीक है तो जीपीएस के बेस पे नेविगेशनल सिस्टम हम यूज़ करते हैं उसके बेस पे हम ये पहला ऐसा हम आ, जो है टेक्नोलॉजी बनाते हैं जिसमें कि हम एक बार लॉन्च कर दिए और लॉन्च करने के बाद जो है वो टारगेट को ढूंढ के सीधा अटैक करेगा और उसमें एक्सप्लोसिव तो होता ही है तो जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल हो जाता है अब बात करते हैं हम ये भी थोड़ा सा आ, समझ लीजिए कि दोनों में डिफरेंस क्या है किसके किसके बीच आपका क्रूज मिसाइल एंड जो है बैलिस्टिक मिसाइल तो यहां पे याद रखना ऑलमो इसका कंसेप्ट तो आपको मैंने भी बता ही दिया है लेकिन इसे भी आप याद रखिएगा तो सबसे पहला देखिए बैलिस्टिक मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल क्या है इट प्रोपेल ओनली फॉर ए बी ब्रिफ आफ्टर द लॉन्च

क्योंकि यहाँ पे आपको पता है जो प्रोजेक्टाइल मोशन वाला जो कंसेप्ट फिजिक्स में होता है कि 45 डिग्री पर अगर किसी भी चीज़ को आप थ्रो करते हैं तो वो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करता है जबकि इस केस में ऐसा नहीं है आप डायरेक्ट ऐसा ऐसा कुछ भी आप यहाँ पे कर सकते हैं ठीक है तो ये रिलेटिवली थोड़ा कम डिस्टेंस का होगा अब यहाँ पर बात करते हैं कि थर्ड इम्पॉर्टेंट पार्ट इसमें क्या है आप देखिए कि जो कैरियोलिस फोर्स है एयर रेजिस्टेंस है ग्रेविटी है ये सब यूज़ किया जाता है आप यहाँ पे या देखते हैं एक लाइन में कहें तो ग्रेविटेशनल फोर्स का यूज़ किया जाता है एसेंडिंग पाथवे फिर डिसेंडिंग पाथवे दोनों में आपको ये फ्रिक्शन तो होना ही है एयर के साथ बट जब एयर फ्रिक्शन वाली बात आती है तो सिमिलरली जब हम इसका एसेंडिंग पार्ट देखते हैं तब तो फ्यूल होता है फ्यूल एसेंडिंग पाथवे में, में उसका एपोजिक तक ले जाता है उसके बाद जब डिसेंडिंग पाथवे होता है तो उस केस में आपका ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत हेल्प करता है ठीक है नाउ कम टू द पार्ट इसमें ऐसा कुछ नहीं होता हाई जो है प्लजिशंस होती है सीधा कॉन्स्टेंटली सीधा प्रोपेल करेगा सीधा आप उसको भेजेंगे टारगेट पर हाँ ये जी पी एस बेस होता है ये यहाँ पे जी पी एस बेस पहली टेक्नोलॉजी हमने क्रूज मिसाइल में लॉन्च की ठीक है अब यहां पे इसमें देखते हैं जीपीएस बेस इसमें भी किया जा सकता है लेकिन स्टार्ट यहां से हुई थी ठीक है अब याद रखिए कि जो लॉन्ग रेंज मिसाइल है आप देखो 12,000 किलोमीटर तक जैसे कि अग्नि सीरीज वाले जितने मिसाइल्स है ना अग्नि सीरीज वाले अग्नि वन से लेकर अग्नि सिक्स तक जब हम इसका डेवलपमेंट पार्ट देखते हैं तो यहां पे ये यह सभी एग्जांपल्स होते हैं ऑफ अ बैलिस्टिक मिसाइल अब यहां पे बात करेंगे क्या कि क्रूज मिसाइल्स वाले में तो क्रूज मिसाइल्स में आप देखते हैं ब्रह्मोस जैसे मिसाइल्स आते हैं ठीक है कम टू द नेक्स्ट पार्ट कि जो हैवी uh, क्या uh, जो कैरिंग कैपेसिटी होती है वो किसकी होती है आपकी बैलिस्टिक की होती है और इसमें क्या है पैलोट कैपेसिटी लिमिटेड होती है ठीक है क्योंकि आपको यहां पे बैलिस्टिक पाथवे कवर नहीं करना है तो कम टू द नेक्स्ट पार्ट कि इसमें बात करते के, कैरी मल्टीपल पैलोट कई केर, पैलोट कैरी कर सकती है और ये सिंगल पैलोट कैरी करती है कौन सा क्रूज मिसाइल एंड जो बैलिस्टिक मिसाइल होता है डेवलप प्राइमरी टू कैरी अलियर वॉर वॉरहेड ठीक है और यहाँ पे डेवलप प्राइमरी टू कैरी अ कन्वेंशनल वॉर तो यहाँ पे ये अंतर भी आप समझ जाए कि जो न्यूक्लियर वॉर को ले जाने के लिए हमने प्राइमरी जो है बैलिस्टिक मिसाइल बनाया था और यहाँ पे जो कन्वेशन वॉर हेड जो बनाए हैं उसको जो ले जाने के लिए हमने क्रूज मिसाइल बनाया था इसका कंसेप्ट समझ पा रहे हैं आप आप क्रूज मिसाइल क्या होता है उसका लो डिस्टेंस वाली होती है तो मान लो आपके समझिए किसी ऐसे जोन से आप इसे लॉन्च करते हैं मान लो पाकिस्तान पे अटैक करना है और आप थार डेजर्ट से उसे भेज रहे हैं ठीक तो थार डेजर्ट से आप सीधा अटैक करने के लिए क्रूज मिसाइल को लॉन्च कर रहे हैं तो हो सकता है वो 200 300 तीन सौ किलोमीटर वाला हो तो तीन सौ किलोमीटर टारगेट वाला मान लो हो बट ऐसा होता है ड्यू टू तो टेक्निकल प्रॉब्लम या कुछ भी ऐसा हुआ और वो जो है तीन सौ किलोमीटर के पहले मान लो 50 किलोमीटर में ही किसी कारण से वो रुक गया अब वो तो लेके गया है किसको न्यूक्लियर वॉरहेड को अब होगा क्या थार्ड डेजर्ट से फिफ्टी किलोमीटर आगे जाएंगे तो क्या इंडिया का बॉर्डर क्रॉस हो जाएगा क्या नहीं होगा उस केस में हमको जो टारगेट था वहाँ तक हम नहीं पहुँच पाए वो तो खुद पर एक क्या हो गया आत्मघाती काइंड ऑफ सिचुएशन हो गया कि न्यूक्लियर वॉरहेड भी हमको लेके जाना है और अपने टारगेट से पहले ही वो गिर गया तो वो खुद पे ही एक डिस्ट्रक्शन पैदा करेगा खुद को ही वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा तो न्यूक्लियर वॉर हेड को ले जाने के लिए हम लोग इसलिए बैलिस्टिक मिसाइल का ताकि हम ऊपर से बैलिस्टिक पाथवे ऊपर भेज दें बाकी काम तो ग्रेविटेशनल ग्रेविटी फोर्स अपना आप खुद ही कर लेगा ठीक है तो जब ऊपर भेजने वाली बात होती है उसमें एक तो वो भेजे उसके बाद ग्रेविटी अपना काम करेगी दूसरा एक ख़ास बात क्या कि जब ऊपर भेज दिए तो भेजने तक की आपकी काम है मतलब आपका पूरा वर्क है जिसमें कि आप इंजन में जो भी फ्यूल यूज़ कर रहे हैं कर सकते हैं आप देन आफ्टर जो होता है जो लंबा डिस्टेंस भी कवर करना है वो ऑब्जेक्टिव भी तो पूरा करना है आपको उस केस में बैलिस्टिक इज द बेस्ट मेथड इसलिए हम यहां पे न्यूक्लियर वॉर हेड को हम यहां पे यूज करते हैं कन्वेंशनल वॉर हेड में हम यहां पे यूज नहीं करते अब ब्रह्मोस मिसाइल आपको लॉन्च करना है तो ब्रह्मोस क्रूज है तो ब्रह्मोस पे आप न्यूक्लियर एक्सप्लोजन रखते हैं उसका रेंज तो कम है अभी ब्रह्मोस के बारे में देखेंगे उसका रेंज भी क्लियर होगा तो यहां पे वो कम रेंज वाला है तो यहां पे हम कन्वेंशन वॉरहेड जो एक्सप्लोसिव है वो यूज करेंगे क्लियर हुआ नेक्स्ट जैसे पृथ्वी सीरीज पृथ्वी वन टू थ्री अग्नि सीरीज या धनुष सीरीज है ना इसे ही हम क्या कहते हैं इसे बैलिस्टिक मिसाइल कहते हैं और ये इधर क्या है ब्रह्मोस सीरीज वाला है तो पृथ्वी वन है पृथ्वी टू है अग्नि है अग्नि सीरीज के सभी मिसाइल सभी पात्र जो है क्या है आपके बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट पृथ्वी थ्री इज आल्सो नोन एज नेवल वर्जन है याद रखना 33 का नेवल वर्जन इक्वल टू आ धनुष ठीक है याद रखिए अब आगे बढ़ते हैं कि नेक्स्ट जो पार्ट है आईजीएमडीपी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और ये वो है एक ऐसा जर्नी जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एंड टीम ने स्टार्ट किया था 1983 में और ये जर्नी तो 2008 में कंप्लीट हुई जिसमें कि फर्स्ट टाइम इन इंडिया हमने ऑर्गेनाइज तरीके से मिसाइल डेवलपमेंट पर काम करना स्टार्ट किया था दिस इज द रीजन ये पांच इंपॉर्टेंट मिसाइल्स हमने डेवलप किया विद लीडरशिप ऑफ डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम दैट्स वाई हम उनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहते हैं 1983 से जो जर्नी स्टार्ट हुई थी जिसमें कि हमने पांच इंपॉर्टेंट मिसाइल जो है क्या है डेवलप किया था ये पांच इंपॉर्टेंट मिसाइल है पृथ्वी आकाश नाग त्रिशूल और अग्नि ठीक है इसे ट्रिक के बेस पे ऐसा भी याद रख सकते हैं पी ए टी एन ए पटना पृथ्वी अग्नि त्रिशूल नाग आकाश ठीक अब ये ए को पहले आकाश बोले अग्नि बोलो आपके लिए है ठीक है तो पटना पृथ्वी अग्नि त्रिशूल नाग आकाश ये पांच ऐसे मिसाइल्स हैं जिसका डेवलपमेंट आईजीएमडीपी इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम ठीक है तो ये क्या है आपका एक इम्पोर्टेंट जो है स्टेप है 1983 में डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम की लीडरशिप में स्टार्ट हुआ था 1983 में खत्म कब हुआ 2008 में जब हमने 2008 में इसे क्लोजिंग किया तब तक अग्नि की पांच सीरीज आ चुकी थी तो अग्नि फाइव तक की जो सीरीज है ये क्या है आपकी 2008 तक हमने अचीव कर लिया था अब बात करते हैं जब अग्नि फाइव के बाद आगे का जो मिसाइल डेवलपमेंट हुआ यानी आफ्टर 2008 का जो मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम हुआ वो किसके लीडरशिप में आगे बढ़ रही है वो है टेसी थॉमस वेरी इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट ऑफ डीआरडीओ टेसी थॉमस और उनको मिसाइल विमेन ऑफ इंडिया कहा जाता है मिसाइल वीमैन ऑफ इंडिया कौन टेसी थॉमस क्यों कहते हैं आफ्टर कंप्लीशन ऑफ आई जी एम डी पी प्रोग्राम इन टू थाउजेंड एट टेसी थॉमस ने उसे आके लीडरशिप के द्वारा आगे बढ़ाया और मिसाइल का फर्दर डेवलपमेंट हुआ तो इसलिए उनको मिसाइल ऑफ इंडिया कहा जाता है टेसी थॉमस आप गूगल करिए उनके बारे में जानिए बहुत इंस्पायरिंग लेडी है ठीक है और बहुत मतलब बड़ी साइंटिस्ट है समझ रहे हैं तो टेसी थॉमस का नाम हमेशा याद रखिएगा आफ्टर एपीजे अब्दुल कलाम सो so, यहां पे देखिए जो पृथ्वी सीरीज वाली जो मिसाइल्स हैं ये सरफेस टू सरफेस और शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है अब आप वर्डिंग्स को समझिए जो अभी मैंने बताया उसी वर्डिंग्स को यहां अप्लाई करना है पहला क्या है पृथ्वी पृथ्वी के बारे में क्या है शॉर्ट रेंज शॉर्ट रेंज का मतलब क्या हो गया थाउजेंड किलोमीटर ठीक है सरफेस टू सरफेस एस टू एस सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक है मतलब उसका पाथवे क्या होगा लाइक like दिस समझ गए तो ये पृथ्वी सीरीज वाले पृथ्वी वन पृथ्वी टू और पृथ्वी थ्री तो पृथ्वी थ्री इज ऑल्सो नोन धनुष वर्जन या धनुष मिसाइल दैट इज वर्जन ऑफ डीआरडीओ वर्जन ऑफ़ ने पृथ्वी ठीक है अब उसके बाद देखते हैं आकाश आकाश जो है देखते ही मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल मीडियम रेंज का मतलब क्या है वन थाउजेंड टू आपके थ्री थाउजेंड ठीक है ये क्या है आपका मीडियम रेंज जो है बैलिस्टिक मिसाइल है और ये क्या है सरफेस टू एयर एस टू ए समझ गए सिमिलरली नाग मिसाइल इट इज द एंटी टैंक मिसाइल जब टैंक आपके सामने हो तो ये ऐसा मिसाइल है कि वो टैंक एंटी टैंक है टैंक को भी वो पछाड़ देगा यानी कि उससे भी वो आगे बढ़ जाएगा उसके प्रति वो रेजिस्टेंस है, है ना थर्ड जनरेशन फायर एंड फर्गेट यानी लॉन्च एंड फर्गेट वाला वही मैथड मतलब उसमें जी लगा होगा ठीक है जब भी लॉन्च एंड फर्गेट वाली बात आती है तो उसमें जी पी इनेबल होगा ही तभी तो ढूंढ के मारेगा ठीक है ये सिमिलर लाइक दिस कि एक पॉइंट ये है एक पॉइंट ये है और टारगेट आपने यहाँ से इसको अटैक करने के लिए यहाँ पे भेजा ये टारगेट इधर हो गया तो जीपीएस के बेस पर फिर ये अपना पाथवे चेंज करके यहाँ पे ये अटैक करेगा तो ये जीपीएस बेस होता है नाग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नाग मिसाइल जो है third generation fire and forget anti -tank है, Then the, short range, short range मतलब km, है? ठीक कम मिसाइल, शॉर्ट रेंज शॉर्ट रेंज मतलब थाउजेंड किलोमीटर और सरफेस टू एयर मिसाइल है अग्नि मिसाइल अग्नि मिसाइल्स का जो है इंटरमीडिएट रेंज से लेकर जो है लॉन्ग रेंज मिसाइल्स दोनों इसके हैं इंटरमीडिएट रेंज में हम क्या देखते हैं थ्री थाउजेंड टू फाइव फाइव डबल जीरो बट वो जो है अग्नि फाइव तक के लिए एप्लीकेबल है जब अग्नि सिक्स की बात करते हैं वो एट थाउजेंड जा चुकी है तो एवब एव एवब जो है फाइव फाइव डबल जीरो है ना किलोमीटर जब बात कर रहे हैं तो उस केस में बात हो रही है कि ये लॉन्ग डिस्टेंस वाली होगी ठीक ठीक तो है 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 तो होगा होगा याद रखना forget अबाउट बिफोर एग्जाम तो यहां पे एग्जाम से पहले कभी भी से मत इसे मत भूलें इसे रिवाइज करके जाएं इसका लेटेस्ट वर्जन आप देखें ठीक है अब बात करते हैं नेक्स्ट लेवल पर तो यहाँ पे सबसे पहले थोड़ा कुछ इन मिसाइल्स के बारे में थोड़ा बेसिक भी समझते चले तो लेट वी स्टार्ट फ्रॉम पृथ्वी मिसाइल तो पृथ्वी मिसाइल यहाँ पे देखिए तो पृथ्वी मिसाइल में यहाँ पे देखिए एक पहला पॉइंट है क्या है ऑल द पृथ्वी वेरिएंट्स आर सरफेस टू सरफेस एस आर बी एम एस आर बी एम मतलब शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल और यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये यह देखिए यह और यहाँ पे ये यह देखिए बेलो थाउजेंड है पेलोड जो है वो भी क्या है आपको देखो मैंने बताया था पेलोड कौन ज्यादा पेलोड ले सकता है बैलिस्टिक ले सकता है छोटा कम छोटा पैलोट या कह सकते हैं कम पैलोट कौन लेगा वो है क्रूज मिसाइल ये कौन सा मिसाइल है बैलिस्टिक मिसाइल तो बैलिस्टिक मिसाइल है तो कितना देखो थाउजेंड किलो किलोग्राम्स किलो, किलो, किलो फाइव हंड्रेड किलोग्राम्स इस टाइप्स की पैलोट ले सकता है और मल्टीपल पैलोट भी ले सकता है बट पृथ्वी का नाम आया मतलब सरफेस टू सरफेस सीधा बैलिस्टिक मिसाइल शॉर्ट रेंज क्लियर हुआ ये ट्रिक है ऑल पृथ्वी वेरियंट आर सरफेस टू सरफेस बी समझ गए कंफ्यूजन नहीं रखना है ऑप्शंस देखे पृथ्वी देखे फट से आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने आना चाहिए समझ रहे अब बात करते हैं पृथ्वी वन का देखिए आर्मी वर्जन है और 150 किलोमीटर था थाउजेंड पैलोट ले सकता है ठीक है पृथ्वी टू आप देखते हैं एयर फोर्स वर्जन है थ्री फिफ्टी किलोमीटर है पृथ्वी थ्री नेवल वर्जन और दिस इज कॉल्ड धनुष यही क्या है धनुष है आपका ठीक है नेवल वर्जन सिक्स हंड्रेड किलोमीटर और ये देखते हैं क्या आपका थाउजेंड किलोग्राम का पैलोट सो पृथ्वी के बारे में पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया वन का रेंज टू का रेंज थ्री का रेंज वन का रेंज क्या है देखिए सीधा सीधा वन फिफ्टी डबल कर दो टू है ना थ्री फिफ्टी ही है और इसका डबल कर दो सिक्स हंड्रेड हो गया तो यहाँ पे एक लॉजिक भी लगा सकते हैं तो ये पृथ्वी के बारे में क्वेश्चन मैं समझता हूं अब कभी भी मिस्टेक नहीं करेंगे कम टू द नेक्स्ट पार्ट दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं दैट इज अबाउट अग्नि सीरीज अग्नि सीरीज अगेन इट इज द एग्जाम्पल ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल और यहां पे याद रखना कि जब भी बैलिस्टिक मिसाइल आएगी तो यहां पे पैलोट्स देखिए थाउजेंड किलोग्राम्स है ना फिफ्टीन हंड्रेड किलोग्राम्स है ना टू थाउजेंड किलोग्राम्स इतने ज्यादा ज्यादा बड़े लेवल पे पेलोट ले सकते हैं तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर व्यू अग्नि सीरीज तो जब अग्नि वन की बात करते हैं अग्नि वन जो है एमआरबीएम मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल मीडियम रेंज मतलब यहां पे आप देखते हैं सेवन हंड्रेड टू नाइन हंड्रेड किलोमीटर है बट आपको मैंने बताया था कि जब भी एम आर बी एम आएगा तो एमआरबीएम तो थाउजेंड से ऊपर होगा जो एस आर बी एम होगा वो थाउजेंड से नीचे होगा डोंट बी कंफ्यूज ये सेवन हंड्रेड टू नाइन हंड्रेड जो है एक्चुअल में ये क्या है है, है है, है। है है। में में ये ये और और इसका वन का जो developed part है, वो भी 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 बन चुका है। तो याद रखना आपके पास आए तो याद रखना आप अकॉर्डिंगली आप एस आर बी एम भी टिक कर सकते हैं बैलिस्टिक और यदि आपको ऑप्शन नहीं दिया जाए तो MRBM मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल आपको टिक करना है क्यों ऐसा दिया गया है क्योंकि अब इसका अग्नि वन का जो है आप थाउजेंड से ऊपर वाला भी स्टार्ट हो चुका है बन चुका है समझ रहे हैं कंफ्यूजन नहीं रखना है अब देखिए दूसरा अग्नि टू अग्नि टू देखिए ये क्या है एमआरबीएम है और ये फिट हो रहा है टू थाउजेंड से थ्री थाउजेंड आप इसमें कंफ्यूजन मत रखें अगर आपको कहीं पर डाउट लग रहा है तो इसे आप आई ही सॉरी एस ही माने एस ही माने किसको आपको इसको अग्नि वन को और अग्नि टू जब बात आती है तो वो होगा एम आर बी एम मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल और यहां पे इसको आपको देखना है सेवन फिफ्टी से थाउजेंड किलोग्राम की पैलोट आपको यहां पे दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सिंपल सा है कि लेटेस्ट अग्नि सीरीज मिसाइल कौन सी अग्नि है। दूसरा रेंज के बेस पे आपको यहाँ पे पूछा जाता है कि थ्री थाउजेंड तो मतलब एमआरबी मतलब, 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 मतलब तो होगा ही समझ रहे और तीसरा टाइप का अगर क्वेश्चन पूछा लो जाए तो वो ये इसके रेंज जो है टाइप्स के बेस पे कौन सा रेंज है आई आर बी एम है एम आर बी एम है या आपके एस आर बी एम है ऐसा पूछा जा सकता है तो अग्नि थ्री जो मिसाइल है वो इंटरमीडिएट रेंज है थ्री थाउजेंड क्रॉस कर गया तो थाउजेंड ये हो गया आपका ठीक है और इसके बाद देखते हैं अग्नि फोर अग्नि फोर जो है ये भी इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है मतलब थ्री थाउजेंड से ऊपर तो होगा ही क्योंकि तीन हजार से पाँच हजार पाँच सौ थ्री थाउजेंड टू फाइव फाइव डबल जीरो ये इसका रेंज है किसका आई का फाइव फाइव डबल जीरो तो यहाँ पे ये फिट हो रही है कि नहीं बिल्कुल फिट हो रही है ठीक है देन कम टू द पार्ट अग्नि फाइव दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आवर फर्स्ट इंटर कॉन्टिनेंटल बॉलिस्टिक मिसाइल इंडिया का फर्स्ट आई जो बना था वो अग्नि फाइव ही बना था और इसमें देखते क्या हैं इसकी रेंज जो है फाइव 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 थाउजेंड से एट थाउजेंड तक है और ये जो टेस्टिंग है एक्चुअल में ये डेवलप्ड हो चुका है टेस्टिंग जो है नाउ एड डेवलप्ड लिख दो सीधा ठीक और यहाँ पे देखते हैं इसका पैलोड भी ज़्यादा होता है ठीक है और आपको अगर बुक्स में दिखता है, है ना आ, फाइव हंड्रेड फाइव थाउजेंड टू तो सिक्स थाउजेंड तो भी आपको अग्नि फाइव का ही रेंज मानना है अग्नि सिक्स की बात जब आएगी तो अग्नि सिक्स की बात जो आएगी ये भी आई सी बी एम इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है यानी कि ये भी ज़्यादा रेंज वाला होगा एट थाउजेंड रेंज आसपास भी ये है और इसकी भी टेस्टिंग हम करने वाले हैं और ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है तो आपको यहाँ पे लॉजिक दो ही टाइप के लगानी है तो जो मैंने कैटेगरी बताई थी क्या जब एस की बात आएगी तो थाउजेंड किलोमीटर्स जब मीडियम रेंज की बात आएगी तो थाउजेंड से थ्री थाउजेंड किलोमीटर जब इंटरमीडिएट रेंज की बात आएगी तो थ्री थाउजेंड टू फाइव फाइव डबल जीरो किलोमीटर और जब जो होती है एल आरबीस्टिक थाउजेंड एट थाउजेंड हो सकती है तो अग्नि से इसका रेंज जो है एट थाउजेंड तक होगा तो ये याद रखना ठीक है ये आपके अग्नि से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट कंटेंट है ये आपके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कम टू द दार्ट अल त्रिशूल मिसाइल को यदि आपको समझना है तो आपको शंकर भगवान को एक बार याद करना होगा त्रिशूल जो होता है आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक यहां पर बताने वाला हूं आप शंकर भगवान को इमेजिन करिए उनके गले में नाग सांप होता है ठीक है स्नेक होता है तो ये जो होता है नाग तो यहाँ नाग भी उल्लेख है ऊपर त्रिशूल भी है तो शंकर भगवान के पास दोनों रहता है त्रिशूल भी रहता है और नाग भी होता है तो यहाँ पे त्रिशूल को कैसे फेंका जाता है त्रिशूल को लाइक सिमिलर लाइक दिस तो यहां पे क्या होता है हम सरफेस पे हैं और वो अटैक करेगा किस पे एयर पर तो सरफेस टू एयर वाला कौन सा है त्रिशूल है ठीक है अब मान लो नाग का जो आ, मतलब नाग सांप जो है किसी पर अटैक करेगा तो वो सरफेस से सरफेस में ही जाके अटैक करेगा वो उड़ते हुए तो जाएगा नहीं तो याद ट्रिक कैसे समझिए त्रिशूल को हम लैंड टू एयर करते हैं लाइक जैसे हम इसे थ्रो करते हैं तो शंकर भगवान के पास वो लॉजिक रहे आप याद कर पा रहे हैं तुरंत आपको ये ट्रिक याद रहनी चाहिए दूसरा आप जो जो स्नेक वाला है तो वो सरफेस टू सरफेस होगा अब यहाँ पे कुछ और पॉइंट देखते हैं त्रिशूल मिसाइल यूज एट एन टी सी स्कीमर टू फ्लाई लो टू अवॉइड राडार तो एक मैटर ये भी है कि वो कम हाइट पे जाती है तो राडार के पकड़ में नहीं आती राडार जनरली क्या होता है ऐसा इक्विपमेंट होता है ऐसा सिस्टम है कि एयर में कुछ भी ऐसी एक्टिविटी है तो वो दिख जाती है राडार पे अब राडार में जब हम लो हाइट पे जाते हैं तो जैसे त्रिशूल जा रही है और त्रिशूल को लो हाइट पे फेंका भी जाता है ठीक है तो वो क्या होता है एक्चुअल में वहां पे देख पा रहे हैं कि वो सीधा सीधा लॉन्ग रेंज का ना हो शॉर्ट रेंज का होगा और लो हाइट पर होगा इसलिए हम देखते हैं इसका जो रेंज है इसका जो रेंज है ये रेंज आप नोट कर लें ये होता है 500 मीटर से लेकर आपके 9 किलोमीटर तक तो ये किसका है त्रिशूल का रेंज है नाग मिसाइल जो है नाग मिसाइल जो होता है ये तो पहला क्या है सरफेस टू सरफेस होगा और त्रिशूल क्या होगा सरफेस टू एयर होगा ठीक है ये समझ गए अब यहां पे नाग मिसाइल है थर्ड जनरेशन फायर एंड फर्गेट यानी कि जीपीएस लगा होगा एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है तो ये दो वर्ड आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ से बहुत इंपॉर्टेंट है पहला नाग इज द एग्जाम्पल ऑफ एंटी टैंक मिसाइल तो अग्नि सीरी जो आईजीएमडीपी के जो पांच मिसाइल डेवलप किया गया है उसमें नाग इज द ओनली मिसाइल जो एंटी टैंक मिसाइल है ठीक है और ये क्या है फायर एंड फारगेट वाले मेथड भी काम करती है यानी जीपीएस इनेबल्ड है और ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है ठीक है और यहाँ पे इसका रेंज अगर हम देखते हैं तो बहुत कम छोटा रेंज होता है चार किलोमीटर के आसपास का इसका रेंज होता है क्यों क्योंकि इसे लॉन्च किया जाता है किससे हेलीकॉप्टर से तो हेलीकॉप्टर लॉन्च ये कन्फिग्रेशन वाले होते हैं तो जैसे कि यहाँ पे इंडिया में जो है आपको जो हेलीकॉप्टर देखते हैं कि हेलिना हेलीना क्या है पूछा जाए तो हेलीकॉप्टर है ध्रुव क्या है पूछा जाए वो भी हेलीकॉप्टर है रुद्र क्या है आपको पूछा जाए दैट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ हेलीकॉप्टर हेलीना ध्रुव और रुद्र दीज थ्री आर द एग्जाम्पल ऑफ अ हेलीकॉप्टर जिसमें कि हम देखते हैं कि ध्रुव का भी अपनी एक स्पेशलिटी होगी एंड हैलिना का भी होगा और रुद्र का भी होगा इसे बाद में देखेंगे लेकिन याद रखना इट इज द एग्जाम्पल ऑफ हेलीकॉप्टर ठीक है अब याद चलते हैं आगे अब यहाँ पे त्रिशूल और नाग मेरे ख्याल से क्लियर हो गया पृथ्वी के बारे में क्लियर हो गया था अग्नि के बारे में क्लियर हो गया था अब ये त्रिशूल और नाग क्लियर हो गया है ना अब उसके बाद हम समझते हैं आपके आकाश को भी देखेंगे तो आकाश के बारे में ये नोट कर लें ठीक है आकाश जो होता है ये सरफेस टू एयर मिसाइल है ठीक है हमने स्टार्टिंग में देखा भी था और 25 यहाँ पे देखे नहीं थे यहाँ पे ये देखो ये जो है आकाश है तो आकाश जो है सरफेस टू एयर मिसाइल है तो यहाँ पे सरफेस टू एयर मिसाइल है और इसका जो रेंज है ये ट्वेंटी फाइव टू थर्टी किलोमीटर्स का होता है ठीक है इतना बस ये आप याद रखें ठीक है आकाश का भी वो एडवांस वर्जन वगैरह आया है बट यहाँ पे एक बेसिक कंसेप्ट याद रखिएगा सरफेस टू एयर है पच्चीस से तीस किलोमीटर इसकी बेसिक इसका रेंज है नाउ वे डिस्कस द प्राइड ऑफ इंडिया इसे हम कहते हैं पूरे भारत का गौरव यहाँ पे आप इमेज पे देख पा रहे होंगे ब्रह्मोस मिसाइल ब्रह्मोस मिसाइल का ब्रह्मोस वन ब्रह्मोस टू ब्रह्मोस थ्री थ्री अंडर डेवलपिंग है और टू ऑलरेडी वी हैव अचीव्ड तो जब हम बात करते हैं कि ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में तो सबसे पहला पॉइंट इट इज द एग्जाम्पल ऑफ क्रूज मिसाइल दूसरा अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे ब्रह्मपुत्र एंड मस्कवा रिवर दोनों के कॉम्बिनेशन से ब्रह्मोस वर्ड बना है है ना ब्रह्मोस वर्ड दोनों के कॉम्बिनेशन से बना है और यहाँ पे याद रखें कि जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे नोट करें जैसे कि यहाँ पे टू स्टेज टू स्टेज मतलब सॉलिड प्रॉपलेट इंजिन फर्स्ट स्टेज एंड लिक्विड तो यहाँ पे क्या है लिक्विड में क्या है ये रैमजेट रैमजेट इंजन यूज किया जाता है और ये इसका रेंज 300 किलोमीटर देखो केवल 300 किलोमीटर है क्यों कम है क्योंकि ये क्रूज मिसाइल है बट इट इज द मोस्ट पावरफुल मिसाइल ऑफ द वर्ल्ड वन ऑफ द मोस्ट कह सकते हैं वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मिसाइल ऑफ द वर्ल्ड ठीक है ना इसका जो एम टी सी कंट्रोल रिजिम है मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम उसमें क्या है इसका जो अगला वर्जन है ब्रह्मोस मिसाइल वो क्या है फोर फिफ्टी टू सिक्स हंड्रेड किलोमीटर का है ठीक है और यहाँ पे यहां पे इसे क्या है वो एयर से भी लैंड से भी सी से भी कहीं से भी आप लॉन्च कर सकते हैं मल्टी कैपेबिलिटी मिसाइल्स है और फायर एंड फारगेट है प्रिंसिपल जो जैसे मैंने बताया था कि क्रूज मिसाइल में हमेशा हम इनेबल करते हैं फायर एंड फारगेट वाला क्योंकि उसमें जी डाल देते हैं और सीधा वो क्या है अटैक करती है ढूंढ के मारती है उसे क्लियर हो गया and come to the part brahmos is the one of the fastest cruise missile of the world ye bhi important aap note kar lo And a 2.8 mac yani ki around ya approx a three times of the speed of the sound theek hai ye yaad rakhna 2.8 ठीक है, है यानी कि ये क्या हो गया 2.8 है तो कौन सा होगा Subsonic, Supersonic, Hypersonic? अभी मैंने बताया था जब भी बात होगी वन मैक से नीचे यानी कि इसे हम कहेंगे सबसोनिक जब भी बात आएगी सुपरसोनिक तो टू से थ्री मैक तो यहां पे क्या है ये सुपरसोनिक मिसाइल है और दूसरा हाइपरसोनिक तो जब ब्रह्मोस थ्री हमारे पास होगा तो डेफिनेटली वो होगा हाइपरसोनिक ठीक है उसके कुछ कुछ टेस्टिंग भी हो चुके हैं मेरे ख्याल से वो जो कोविड के कारण या उसके बाद के कारण जो है बहुत सारे ऐसे और डेवलपमेंट होगा तो आ, इसके बाद जो है हम इसका जो हाइपरसोनिक वर्जन भी जल्द से जल्द हम लेकर आएंगे डी आर डी और काफ़ी काम कर रही है ठीक है और इसकी टेक्नोलॉजी ऐसी है जिसमें पूरी दुनिया डरती है क्योंकि ऐसी टेक्नोलॉजी जो दो कंट्रीज़ के द्वारा बनाई गई है रशिया प्लस इंडिया तो चाइना का सबसे बेस्ट जो उसको आंसर है वो क्या है ब्रह्मोस ब्रह्मोस के कंपेयर में कोई भी ऐसा मिसाइल जो है एटलीस्ट नहीं है अभी की स्थिति में जो सीधा क्योंकि ये बहुत भी भी है, है है और यहां पे ऐसी जिसमें कि ढूंढ के मारेगा है ना तो ऑन पेपर यदि हम देखते हैं कि चाइना के पास इसका कोई विकल्प नहीं है इसको आंसर देने के लिए हाँ उसके अपने मिसाइल्स के डेवलप वाला पार्ट हो सकता है बट ब्रह्मोस का आंसर नहीं है उसके पास याद रखना और यही रीज़न है कि ब्रह्मोस से बहुत डरता है जब हमने रफाइल मंगाया तो रफाइल जो मंगाया तो रफाइल भी क्या है बहुत लीथल होगा वो वो भी ऐसा एक पावरफुल है बट वो इम्पोर्ट वाला पार्ट है इसलिए हम यहाँ पे स्टडी नहीं कर रहे हैं ठीक है कम टू द नेक्स्ट पार्ट कि वो क्या है कि कुछ जो मिसाइल्स हमने अभी पढ़ा उसका एक ऑर्गेनाइज यहाँ पे व्यू आपको मैं दिखा रहा हूँ तो ये ऑर्गेनाइज व्यू नोट कर लें तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे कि अस्त्र मिसाइल अस्त्र मिसाइल जो होता है जैसे अस्त्र किसे कहते हैं अस्त्र क्या होता है और शस्त्र क्या होता है इसको आपको पता होना चाहिए फेंक के जो मारते हैं वो क्या है शस्त्र है या सुसज्जित है आपकी बॉडी में है ना किसी भी गॉड या गॉडेस को आप या आप, इमेजिन करो और क्या है चक्र जैसे वो एयर टू एयर जाती है है ना तो शस्त्र और अस्त्र में अंतर ये समझ जाओ अस्त्र को जो है वो एयर टू एयर जाएगी और शस्त्र जो है ऐसा हम फेंकते हैं ठीक है तो यहाँ पे अस्त्र वाली जब बात आती है तो वो एयर टू एयर है एयर मिसाइल जो है यहां पे याद रखना तो यहां पे एयर टू एयर मिसाइल है अस्त्र मिसाइल है ठीक है इसका रेंज क्या है 80 किलोमीटर का रेंज है ठीक है देन कम टू द पार्ट त्रिशूल मिसाइल त्रिशूल मिसाइल सरफेस टू एयर मिसाइल है नाइन किलोमीटर इसकी जो है आप देख रहे अभी जस्ट हमने पढ़ा नाइन किलोमीटर रेंज है आकाश मिसाइल है ना ट्वेंटी फाइव से थर्टी किलोमीटर है और ये मैंने क्या कहा था सरफेस टू एयर मिसाइल है ठीक उसके बाद पृथ्वी सीरीज कुछ भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए ये पृथ्वी एयर डिफेंस है पीएडी पृथ्वी एयर डिफेंस है इसमें किलोमीटर के रेंज पे हम डिफेंड कर सकते हैं अर्थ को ठीक है और मतलब इंडिया का जो टेरिटोरियल पार्ट है उसको नाक जो है सरफेस टू तो सरफेस एंटी टैंक मिसाइल ये वही चीजें जो रिपीट हो रही है एक ऑर्गेनाइज जगह है फोर किलोमीटर रेंज है प्रहार मिसाइल जो है सरफेस टू सरफेस एस आर बी एम है, अभी नेवल, एर, वर्जन है, और ये है जब ब्रह्मोसोनिक होगा थ्री हंड्रेड किलोमीटर है इसका एक्सटेंडेड वर्जन सिक्स हंड्रेड किलोमीटर तक होगा ठीक है याद रखना निर्भय मिसाइल लैंड एयर नेवल तीनों से हो सकता है सब सोनिक क्रूज मिसाइल है मतलब वन मैक्सिस की स्पीड कम होगी यानी कि ये इसका रेंज देख रहे हैं कि थाउजेंड किलोमीटर सागरिका सागरिका जो है अंडर वाटर सरफेस जो है मिसाइल है और ये एस एल बी एम है, है ना और यहां पे सेवन हंड्रेड किलोमीटर इसका जो है रेंज है ठीक धनुष पृथ्वी थ्री ही से कहते हैं सरफेस टू सरफेस मिसाइल है ठीक है और यहाँ पे एस आर बी एम है थ्री फिफ्टी किलोमीटर्स है देखो धनुष क्या है नेवल वर्जन है याद रखना सॉरी मिसाइल सरफेस टू सरफेस एस एल बी एम है और नाइनटीन हंड्रेड इसका रेंज है ये समझ गए ये आप ऑलरेडी यहाँ पे इसे नोट कर ली बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है अब कब चलते ही? जो निर्भय मिसाइल के बारे में थोड़ा सा और जान लें अभी जैसे हमने देखा कि निर्भय मिसाइल यहाँ पे देखें तो निर्भय मिसाइल यहाँ पे देख रहे हैं इसका रेंज थाउजेंड किलोमीटर है सब सोनिक क्रूज मिसाइल है तो यहाँ पे वही चीज़ें आएगी लॉन्ग रेंज भी बस का बन गया है ऑल वेदर सब जो मिसाइल है सभी मौसम में काम कर सकती है ये और यहाँ पे ये सब सोनिक मिसाइल है सब सोनिक मिसाइल है और याद रखना कि ये इसे डी ने बनाया है डी इसको डी ने बनाया मतलब ऐसे और भी दूसरे बॉडीज हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल भी है है ना एरोडायनिक्स एजेंसी ए भी है और ये डी भी है और भी दूसरे एजेंसीज हैं ठीक है बट डी आर इज द लीडिंग और उसके बाद देखते हैं मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स इसे लॉन्च किया जा सकता है और कन्वेंशनल और न्यूक्लियर वॉरहेड दोनों इससे किया जा सकता है ये इसका इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कन्वेंशनल के लिए भी बन सकता है और न्यूक्लियर के लिए भी बन सकता है और यहाँ पे देखिए क्रूज़ मिसाइल जब भी बात करते हैं क्रूज़ मिसाइल में हम क्या है कन्वेंशनल वार यूज़ करते हैं बट ये न्यूक्लियर वार वाला है निर्भय मिसाइल ऑपरेशन रेंज जो है थाउजेंड किलोमीटर तक है मतलब एक ऐसा चीज़ आपको जैसे क्रूज़ मिसाइल जो है उसकी जो है डिस्टेंस कम होता है ये क्रूज़ भी है और थाउजेंड किलोमीटर तक भी कवर कर सकता है जनरली थाउजेंड किलोमीटर के आसपास का रेंज क्रूज मिसाइल मतलब बहुत बड़ा डिस्टेंस होता है जैसे कि हम यहां इसे कंपेयर करें ब्रह्मोस से तो ब्रह्मोस का रेंज कितना है 300 किलोमीटर सेकेंड जो अब डेवलप करेंगे 600 किलोमीटर लेकिन वो बहुत पावरफुल है लेकिन वो क्या है कभी भी वो देखते हैं कि वहां पे हम जो क्रूज मिसाइल में वहां पे हम ये यूज नहीं करते क्या यूज नहीं करते न्यूक्लियर वेपन यूज नहीं करते न्यूक्लियर वेपन हम यहाँ पे, पे बात कर रहे हैं कि ये कन्वेंशनल है और स्ट्रेटिक यानी कि न्यूक्लियर वॉरहेड भी ले जा सकता है और थाउजेंड किलोमीटर की जर्नी कर सकता है तो ये इम्पोर्टेंट है ठीक है निर्भय मिसाइल क्रूज मिसाइल इंडियन वर्जन ऑफ अमेरिकन टॉम हॉक टॉम हॉक का जो है एक इंडियन वर्जन है टॉम हॉक जो भी मिसाइल है अमेरिका का वो भी एग्जांपल है सबसोनिक का और ये भी सबसोनिक का एग्जांपल है ठीक है मतलब वन मैक से नीचे इसकी स्पीड है ना ये समझ गए अब चलते हैं कुछ और पॉइंट्स की ओर ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है अस्त्र मिसाइल जो अभी हमने पढ़ा इंडिजिनस डेवलप्ड मिसाइल एयर टू एयर है है ना अस्त्र मिसाइल एयर टू एयर है और यहां पे देखते क्या है कि अस्त्र मिसाइल डेवलप्ड बाय डीआरडीओ ये भी इंपॉर्टेंट है और इट वर्क्स ये विजुअल रेंज से भी आगे ये काम कर सकती है जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये अस्त्र मिसाइल अस्त्र मिसाइल का रेंज आप पहले देखो अस्त्र मिसाइल का रेंज अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो अस्त्र मिसाइल का रेंज क्या है एटी किलोमीटर अब एटी किलोमीटर आप देख तो सकेंगे नहीं तो 80 किलोमीटर नहीं देख सकेंगे तो आपकी विजुअल रेंज से बाहर जाके ये क्या है अटैक करती है और ये क्या है ख़ास बात इसकी कि ये बेसिकली जो है एयर टू एयर मिसाइल है एयर टू एयर मिसाइल है और एक सिंपल सा फंडा यहाँ पे यूज़ करना है बियॉन्ड विजुअल रेंज आती है 80 किलोमीटर के आसपास का इसका रेंज है ठीक है तो यहाँ पे जब अटैक करते हैं दो कंट्री तो जनरली इसी इसी डिस्टेंस पे होते हैं 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर या इस टाइप की जैसे पाकिस्तान के साथ हम लड़ाई करें है ना तो जनरली यहाँ पे पाकिस्तान के हिसाब से ये बनाया गया है तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है ठीक है हम बॉर्डर से 80 किलोमीटर के आसपास का जो है ये अगर हम करें तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाएगा हम 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 इमेजिन करते हैं जी से उसके या जो हमारे सेटेलाइट से इस रेंज में बैठे हुए हैं और यहाँ पे हमने अस्त्र मिसाइल या फिर ये मिसाइल जो है सीधा लॉन्च कर देते हैं तो ठीक 80 किलोमीटर या 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर के आसपास का ये सीधा उसे अटैक करके आ जाएगा तो हमारा जो नियर बाई देखो एक तो होता है लॉन्ग डिस्टेंस के बीच में जो है आप आपस में अटैक कर रहे हैं दूसरा होता है कि बॉर्डर के पास पास में है तो उस केस में अस्त्र मिसाइल काम का है कि नहीं एटी किलोमीटर रेंज है आपके विजुअल रेंज से बाहर है या विजुअल वाले जो पार्ट है उससे बाहर है तो ये एक बड़ा ही काम का मिसाइल है देन कम टू द बराक एट मिसाइल ये इसमें इसराइल का रोल है देखिए इसराइल इंडिया सुपरसोनिक लॉन्ग रेंज सरफेस टू सरफेस फिर से पॉइंट को क्लिक करो सुपरसोनिक है मतलब से मैक ठीक दूसरा लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है सरफेस टू एयर मिसाइल है और लॉन्ग रेंज मतलब तुरंत याद होना चाहिए इसका लॉन्ग रेंज का मतलब क्या है इंटरमीडिएट रेंज कितना है थ्री थाउजेंड टू फाइव फाइव डबल जीरो लॉन्ग रेंज फाइव फाइव डबल जीरो टू एव तो यहाँ पे इस बात को इसका मतलब समझ गए ये चार पॉइंट में यहाँ पे चार पॉइंट में जो आप ये बात को समझ रहे हैं क्या कि ये लॉन्ग रेंज जो है मिसाइल है बराक एट ठीक और ये वेपन इज द फर्स्ट एल आर एस एम इंडिया एंड इसराइल हैज़ को डेवलप्ड इन दोनों के द्वारा डेवलप किया गया है हालाँकि हमने पहले इसराइल से लिया फिर उसे डेवलप कराया उनकी हेल्प से तो बराक एट इसमें लीडिंग जो या इसमें जो रोल किसका है वो रोल है आपका इसराइल का समझ गए इसके बाद चलते हैं दन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ऑफ डी आर डी ओ दैट इज द पिना का मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर

सिंपल सा है और यहाँ पे आई आर एन एस एस मतलब सीधा क्या है इसमें जीपीएस लगा हुआ है है ना मैंने ढूंढ के मारेगा ये भी ठीक है क्योंकि नेविगेशन लगा हुआ है सिंपल सा है आपको उसको देखिए इंडियन रीजनल नेविगेशन सेटेलाइट सिस्टम आई आर एन एस एस जो है इंडिया का जीपीएस लगा है इसमें और ये उसमें इनेबल्ड है और यहाँ पे देखते हैं इनिशियल वर्जन मार्क वन जो हुआ है ना पिनाका मार्क वन का रेंज फोर हंड्रेड फोर्टी किलोमीटर था और जो अपग्रेडेड वर्जन पिनाका मार्क टू जो है ये 70 टू तो 80 किलोमीटर का रेंज है ये समझ गए तो यहाँ पिनाका सिंपल सा यहाँ पे देख रहे हैं डिफरेंट टाइप के रॉकेट्स और ये मल्टी बैलर रॉकेट लॉन्चर है कुछ सेकंड्स में ही बहुत सारे लोगों को जो है पांच या दस जगह भी होगा तो सबको ये क्या करेगा डिस्ट्रॉय करेगा विद इन अ सेकेंड्स एक मिनट से भी कम समय में समझ रहे हैं तो ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए क्योंकि इसकी स्पीड भी देखो इसमें सभी चीज़ें इनेबल्ड है ठीक है तो यहाँ पे इस बात को ध्यान रखिएगा ये एयर डिफेंस सिस्टम है तो एयर डिफेंस सिस्टम में यहाँ पे देखते क्या हैं कि शॉर्ट रेंज जो है लॉन्ग रेंज जो है इंटरमीडिएट रेंज के बेस पे जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको इस इमेज में देखिए कि आई या एस वाले यहाँ मिसाइल्स आते हैं तो यहां पे ए जो आता है एयर डिफेंस सिस्टम जो आता है जैसे एस वाले आते हैं एस मतलब थाउजेंड किलोमीटर के अंडर वाले या थाउजेंड किलोमीटर तक वाले मिसाइल आया यहां पे, आपने ए ईडी यहां पे लॉन्च कर रखा तो ये यह इसको यहीं पे ही डिस्ट्रॉय कर देगा है ना उसके बाद पीई डी आएगा ठीक है और यहां पे आप देखते हैं कि जो दूसरे मिसाइल्स आते हैं इंटरमीडिएट रेंज वाले तो उनके लिए पी यूज किया जाता है और हाई एल्टीट्यूड जो इंटरसेप्टर होता है है ना हाई एल्टीट्यूड इंटरसेप्टर जब आईसीबीएम वाले मिसाइल्स ऐसे आएंगे तो ये इंटरसेप्ट करके इसे डिस्ट्रॉय करेगा ये एयर डिफेंस सिस्टम है ये पूरे इसराइल पर इसराइल में सब तरफ आप इसराइल में कुछ भी फेंकोगे तो वो एयर डिफेंस सिस्टम है उनको पूरा डिस्ट्रॉय कर देगा इट वर्क लाइक अम्ब्रेला समझ रहे हैं तो ऐसा इंडिया में भी है इंडिया में भी यह डेवलपमेंट हो चुका है याद रखना समझ गए इसके बाद आज के लिए हम इतना ही देखते हैं कि एयर डिफेंस सिस्टम तक हम देखते ही इसके जो सेकंड पार्ट में हम कुछ और मिसाइल्स को पढ़ेंगे और कुछ ऐसे सबमरीन्स कुछ ऐसे डिफरेंट टाइप के डीआरडीओ के जो कुछ और मिसाइल्स या कुछ इक्विपमेंट्स राडार्स है ना ये सब ये छूटा हुआ है इसको हम सेकंड पार्ट में कवर करेंगे तो आज के लिए इतना ही रखते हैं थैंक यू सो मच Cgpsc की संपूर्ण तैयारी के लिए कंपटीशन कम्युनिटी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।